मेरा जो ड्राइवर है अगर वो अमीर हो जाए तो फिर मेरी गाड़ी ड्राइव कौन करेगा? मेरा माली अगर मेरे जितना पैसा कमा ले तो फिर वो मेरे लॉन की केयर क्यों करेगा? और मेरी काम वाली को देख लें, अगर उसके पास पैसा आ जाए तो फिर मेरा बैंगलोर कौन साफ करेगा? आप? नहीं, मैं तो गरीब नहीं हूँ, मैं तो मिडिल क्लास हूँ। अच्छा, ये बताएं कौन से मिडिल क्लास हैं आप, अपर या लोअर? हाउ डू आई नो? इट्स वेरी सिंपल, आंसर सम क्वेश्चंस फॉर मी, ठीक है? ये बताएं कि जब आपका साबुन खत्म होने वाला होता है तो क्या आप उसको फेंक के नया साबुन यूज करते हैं या फिर नए वाले के साथ चिपका के इस्तेमाल करते हैं? वेल, कॉमन सेंस तो यही कहती है चिपका कर काम चला लिया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपका क्या कहते हैं शैम्पू खत्म हो जाता है तो फिर आप उसकी बोतल में पानी डाल के इस्तेमाल करते हैं या नया शैम्पू ले आते हैं? कॉमन सेंस तो यही कहती है कि हिला के इस्तेमाल कर लिया जाए शैम्पू। ओके ओके ओके, तीसरा सवाल, फाइनल क्वेश्चन फॉर माय एनालिसिस, ये बताइएगा कि जब आपका टूथपेस्ट खत्म हो जाता है तो क्या आप उसकी ट्यूब पे बेलन मल मल के उसको आखिरी कतरे तक निकालते हैं या फिर नया टूथपेस्ट लेकर आते हैं? वेल, मैं तो आखिरी कतरे तक जंग लड़ता हूँ। वल्ला, इसका मतलब आप तो फिर लोअर मिडिल क्लास है। व्हाट आई मीन, ना आपने मुझसे मेरा बैंक बैलेंस पूछा है, ना आपने मुझसे मेरे घर का पूछा है अपना है या किराए का है, ना घर गाड़ी का पूछा है। आपने मेरे बाथरूम की चीजों की यूजेस की बेस पे मुझे लोअर मिडिल क्लास बोल दिया। Obviously, see, गुर्बत is a state of mind. You know what makes you poor and what makes me rich? Attitude, man. ये सब सोच का कमाल है। आपका स्टेटस आपकी सोच से डिफाइन होता है। तो अगर गरीब लोग अपनी सोच अमीरों जैसी कर लें तो क्या वो फिर अमीर हो सकते हैं? Let me give you an example. अब एक गधा है, वो कहे कि मैं आज से शेर हूं, क्या वो शेर बन जाएगा और क्या आप उसको शेर मान लेंगे? वेल, हमारे मुल्क में एक शख्स है जिसको लोग शेर शेर कहते हैं। प्लीज डू नॉट ड्रैग पॉलिटिक्स इनटू दिस, आई मीन पॉलिटिशियंस आर द रीजन व्हाई आई एम रिच। आप जस्ट आंसर माय डैम क्वेश्चन। डेफिनेटली, कॉमन सेंस तो यही कहती है कि नो, मैं उसको शेर नहीं मानूंगा, गधे को शेर कौन मानेगा? देयर यू गो, सी यू कैन ओनली फूल योरसेल्फ दैट यू आर रिच, यू आर नॉट एक्चुअली रिच। ओके, That's a bit rude, by the way. अच्छा, मेरा next question आपसे ये है कि देखिए, आजकल हर कोई मुल्क से भागने की फिराक में है। जिसको को मौका मिला, जिसके पास resources हैं, पैसा है या कोई opportunity है, वो मुल्क से भागने की सोचता है। आपके पास तो वो dual nationality होगी ना? Of course, ये भी कोई पूछने का सवाल है। Yes, तो आप पाकिस्तान में क्या कर रही हैं? आप मुल्क से बाहर क्यों नहीं जा रहे? First of all, उमर, पाकिस्तान is a heaven for the rich. पाकिस्तान में ऐसा क्या है जो एक अमीर आदमी नहीं ले सकता? यू कैन बाय प्रॉपर्टी, यू कैन बाय पावर, पोजीशन, लॉ, और सबसे जरूरी चीज है टाइम, अ पुअर मैन्स टाइम। तो आप गरीबों का टाइम भी खरीद लेती हैं? डेफिनेटली, मेरी बात सुने, अब एक ट्रायल हो, गरीब बंदे के लिए वो 2 to 3 decades चलेगी, पर एक अमीर बंदा पैसा फेंकता है उसके लिए ट्रायल शॉर्ट हो जाती है। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर आपको किसी गरीब आदमी से प्यार हो जाए, जस्ट इन केस, तो क्या आप उससे शादी करेंगे? मतलब प्यार तो अंधा होता है ना। उमर, प्यार पिछले जमाने में अंधा था, टेक्नोलॉजी ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है, अब प्यार को कोई डिसेबिलिटीज नहीं है। ना प्यार अंधा है, ना प्यार लूला है, ना लंगड़ा है, ना प्यार को डायबिटीज है, ना प्यार को हाइपरटेंशन है, और प्यार अब देख के होता है, ठीक है? प्यार करने से पहले देखा जाता है उसका स्टेटस क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, जात पात नस्ल सब कुछ देखना होता है प्यार करने से पहले।